कलयुग में भगवान विष्णु ने सत्यनारायण भगवान के रूप में अवतार लिया है। देवताओं में भगवान सत्यनारायण की पूजा सबसे सरल मानी जाती है। इंदौर में प्राचीन भगवान सत्यनारायण का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण किया था श्रीमती चंद्रावती महारानी साहिबा ने 4 दिसंबर 1913। अच्छा, यहाँ कौन कौन सी प्रतिमाएं गुरु जी? इधर वाली मूर्ति जो है वो देवी है, बीच में विष्णु जी है और इधर लक्ष्मी। इस मंदिर का पौराणिक महत्व तो यही है कि बस हर पूर्णम का पूर्णम यहाँ पे कथाएं होती है और पूर्णम को विशेष भीड़ रहती है। अच्छा, कहाँ कहाँ से आते हैं भक्त यहाँ पर? सावेर तक, देपालपुर तक के लोग आते हैं। दूर से आते हैं जो पुराने चल रहे हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहे हैं। जिनने सवा पाँच आने में कथा करवाई थी वो आज भी यहाँ आ रहे हैं, वो कथा करवाते रहते हैं यहाँ पे। हर पूर्णम को यहाँ प्रसाद बढ़ता है 5.25 किलो का मंदिर की तरफ से ही। मंदिर है देवी अहिल्या होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट का। अच्छा गुरु जी, एकमात्र मंदिर है ना सत्यनारायण? हाँ, इंदौर में कभी एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पे कथा होता है, सब होती है हर पूर्णम और अमावस को। और गुरुवार को, गुरुवार को विशेष महत्व रहता है। यहाँ पे केले के झाड़ की पूजा करने आती है लेडीज, आंवले नवमी को आंवले के झाड़ की पूजा करने आती है। अभी दिसंबर में इसके 100 साल कंप्लीट हुए थे। 100 साल का इसका कार्यक्रम किया था, 11 दिन उत्सव करा था यहाँ।